अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसी में कंसिडरेशन में, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. ये समझ में आ रहा है इस स्टेटमेंट का मतलब, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो आपका वॉइड कहलाएगा. वॉइड मीन्स वॉट? नल, है ना. नल मीन्स जीरो. तो ये बेसिक कंडीशन होगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की. इसलिए हमने जो उसके पहले पढ़े थे लीगल रूल्स टू कंसिडरेशन, है ना, तो वो ये सब था. अब देखो इसमें मैं एक वर्ड यूज करने वाली हूँ, एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मीन्स वॉट? जो भी स्टेटमेंट मैंने दिया है उसको अपोजिट कर देना. एक्सेप्शन की मीनिंग क्या बताई मैंने, जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है उसका क्या कर देना, अपोजिट. कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? सपोज मैं बोल रही हूँ अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई मीनिंग नहीं होती है. कि ऑब्वियस है, हम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि सामने वाले को कुछ काम होके मिल रहा है तो उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिलने चाहिए. तो जब तक उसमें पैसे नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड. तो अब देखो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. ब्रैकेट में समझो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अब एक्सेप्शन. ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. इट मींस, अब आपको ये एक्सप्लेन करने बोल रहा है. देखो इसमें देखो, ये एक्सेप्शन टू द रूल, ये क्वेश्चन आएगा. इसका मतलब क्या एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है फिर भी वो वैलिड है, इसका मतलब ये हुआ. किसी को डाउट है, नो मैम, क्लियर है? नो मैम. तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस या कंडीशंस होंगी जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं मिलेगा फिर भी वो वैलिड कहलाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन. अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दे रहा है, एग्रीमेंट करके दे रहा है उसको, है ना, तो क्या वो उससे पैसे लेगा? नहीं. अगर एक फादर अपने डॉटर को कुछ देना चाह रहा है तो क्या वो उसके बदले में उनसे पैसे लेंगे? क्या नहीं लेंगे. तो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें लव एंड अफेक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसमें कंसिडरेशन नहीं रहता है. हाँ, लेकिन ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें तीन कंडीशंस मस्ट होनी चाहिए, जिसमें पहली कंडीशन है एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग. ठीक है, तो उसको पेपर वर्क करके दे वो. एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, और उसको वो रजिस्टर करवा के दे. बी पॉइंट क्या होगा इसमें, नियर रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, सम नियर रिलेशन होना चाहिए, है ना. सी पॉइंट द मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ, और इसके पीछे करने का रीजन क्या होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन. द मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. सेकेंड, अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट परफॉर्मेंस. अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट परफॉर्मेंस. ठीक, तो क्या होगा इसका मतलब, बताओ.
सपोज अगर एक्स ने कभी वाई के लिए कुछ काम किया होगा, ठीक, तो वाई ने उसको बोला होगा कि वेन एवर आपको कोई भी नीड होगी तो आप, मैं आपको पे बैक करूँगा या मैं आपकी हेल्प करूँगा. ऐसे होता है ना, जब अपन बोलते हैं आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी आप मुझे कॉल करना, है ना, या मैं आपके कुछ काम आ सकूँ. ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट परफॉर्मेंस, किसी ने किसी के लिए पास्ट में कुछ कर दिया, ठीक, तो एक एहसान जैसे करते हैं लोग, है ना, खास करके अपने इंडिया जैसी कंट्री में. तो अगर उसके बदले में कोई उसको अभी कॉम्पनसेट करना चाहे, या फिर अगर हम उसको उसके बदले कुछ अमाउंट देना चाहें, या उसके बदले हम उसका कुछ काम कर लें और उसमें उसको कुछ पैसे नहीं दें, तो ऐसे कंसिडरेशन और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होते हैं, वैलिड होते हैं. तो अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट परफॉर्मेंस, तो इसमें भी तीन कंडीशन होनी चाहिए कंपनसेट के लिए, आइदर होली और इन पार्ट, मतलब उसके पूरे काम के लिए उसको कंपनसेट करना है या फिर उसके थोड़े से किसी काम के लिए. सेकेंड, इसी में फॉर समथिंग विच हैज वॉलंटरीली डन, फॉर समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर द प्रॉमिस. थर्ड देखो इसमें, फॉर समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेलेबल टू डू सो. किसी को डाउट है इसमें तो पूछो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं. बताओ कहीं डाउट है किसी को? नो मैम. ठीक है, फिर देखो थर्ड पॉइंट, अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बेयर्ड डेब्ट. टाइम बेयर्ड क्या होता है? बताओ क्या होगा? सपोज अगर हमने किसी को 2000 पे करना है ना, लेकिन हम उसको दे नहीं पाए, तो अगर उसने एक नोट बना के दे दिया है कि इन फ्यूचर में मैं कभी भी आपको उसके बदले में दूंगा 1000 रुपए, ठीक है, तो इस टाइप का टाइम बेयर्ड डेब्ट, तो कर्ज चुकाने जैसी बातें होती हैं जो हम पहले नहीं चुका पाए थे लेकिन हम बाद में उसको पे ऑफ कर रहे हैं. ठीक है, या फिर हमने उसका उतने का काम कर दिया. सपोज हमने शाम को सामने वाले को 2-3 हज़ार रुपये देने थे, हमारे पास पैसे नहीं, हमने उसको दिया नहीं, इन फ्यूचर हमने उसको 2 या 3000 का एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बना, एक एग्रीमेंट बना, ठीक, तो वो तो हम डेब्ट नहीं पे कर पाए थे तो सामने वाले का वो बैड डेब्ट बन गया था. अब उसको हमसे कुछ काम है तो हम उसका उतने का अमाउंट विदाउट चार्जेस कर देंगे. आ रहे समझ में? यस मैम. ठीक है, अब एक सेकेंड वेट करो. बताओ कोई डाउट है इसमें? अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बेयर डेब्ट में. नो मैम. नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट अगर इसमें ऐड करूंगी मैं तो वो हो जाएगा कंप्लीटेड गिफ्ट. ठीक, अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसके बदले हम उससे पैसे लेते हैं क्या? यस
ऐसे सुनते हैं ना आप लोग, जैसे अगर किसी की मैरिज वगैरह होती है तो उसकी फैमिली की तरफ से उसको कार वगैरह गिफ्ट में दिया जाता है, तो हम पैसे लेते हैं क्या? ठीक है। और वैसे उसमें आजकल न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे ना कि इस बॉलीवुड स्टार ने दूसरे बॉलीवुड स्टार को इतना महंगा गिफ्ट किया वगैरह वगैरह, तो उनके जो गिफ्ट्स होते हैं ना अच्छी अच्छी खासी क्वालिटी के यहाँ ज्वेलरीज होती हैं, तो उसके लिए हम सामने वाले से पैसे लेते हैं क्या? ठीक, लेते हैं नहीं। प्लस अगर हम उन्हें कार वगैरह गिफ्ट करते हैं तो हम उनको पूरा पेपर वर्क करके देते हैं। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखो, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। ये ना बहुत डीप में टॉपिक जाएगा, बस आप लोग इसमें इतना याद रखना कि जब भी हम किसी चीज की एजेंसी लेते हैं तो हमको कभी भी उसके लिए कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। हम अमाउंट उसमें कितना पे करते हैं, सपोज अगर हमने रेमंड मार्केट में, जानते हैं ना अपेरल्स का स्टोर्स है, अपेरल्स में आता है ना ये रेमंड, क्लोथिंग में। आता है कि नहीं आता है भाई, बताओ, यस मैम है ना? तो सपोज अगर हम रेमंड की एजेंसी लेंगे तो हम सामने वाले को पे करते हैं, लेकिन क्या पे करते हैं? जितने का वो हमको मटेरियल देगा, हम शॉप में जो रखते हैं हम उसका ही पे करते हैं ना, कि हम उसको एक्स्ट्रा पे करेंगे आपने हमको दिया तो? नहीं, वो तो उनका प्राइस होता है ना। तो एजेंसी क्रिएट करने के लिए भी कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है। ठीक, कुछ कुछ में होता होगा बट हर एजेंसी ऐसी नहीं होती है। तो सपोज अगर आप लोग मैकडॉनल्ड्स वगैरह लेते हैं, ठीक, या फिर हम क्या लेते हैं, केएफसी, तो इन सब में रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। आ रहे समझ में? रॉयल्टी मीन्स उनके लिए कंसिडरेशन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं मार्केट में, जैसे डेली नीड्स के या एसेंशियल फूड्स की कैटेगरीज में आते हैं, और अगर हम उनकी एजेंसी लेते हैं तो एजेंसी लेने का मतलब वहां पे हम रॉयल्टी पे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उतना ही अमाउंट पे करते हैं जितने की हमारी कैपेसिटी होती है कि हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में। आ रहे समझ में? क्रिएशन ऑफ एजेंसी में फिर देखो, रेमिशन बाय द प्रॉमिस। सॉरी, प्रॉमिसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। देखो, रेमिशन बाय द प्रॉमिसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ये भी टाइम बेयर डेप्ट जैसा ही है। सपोज हमको किसी को 5,000 देना था, ठीक, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमने सामने वाले ने हमको बोला ठीक है आप 2,000 दो और काम खत्म, तो हमने उसको 2,000 पे किया और जो बाकी बचा हुआ कितना अमाउंट बच गया, 3,000, ये उसने माफ कर दिया है ना, रेमिट कर दिया। इसने 3,000 क्या कर दिया, रेमिट, छोड़ दिया। तो हमने देखो उसको 5,000 देना था, यानी हमने उस 5,000 का फुल यूज किया उस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन पे बैक के टाइम में हमने उसको कितना पे किया, 2,000, तो 3,000 का काम ऐसे ही निकल गया ना फ्री में। तो इट मींस उसके लिए हमको कोई कंसिडरेशन तो पे नहीं करना पड़ा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जब प्रोमिसी प्रोमिसी रेमिट कर देता है, उसको पता है कि सामने वाला नहीं दे पाएगा तो क्यों तंग करना, तो ये हो जाती है रेमिशन बाय द प्रोमिसी। तो ये 6 सिचुएशंस होंगी जिसमें अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन पे नहीं भी करेंगे तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएंगे, इनवैलिड नहीं कहलाएंगे। देखो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कॉम्पिटेंट है जो हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, जिसने कौन सी एज अटेन कर दी है, मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू वी विच ही इज सब्जेक्ट। इस लाइन का मतलब होता है उस जहां का वो रहने वाला है उस देश के लॉ के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो आप कौन से इंडिया गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं बताओ, इंडियन गवर्नमेंट है नहीं, आप वहां के सिटीजन, यस मैम एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, जिसका दिमाग ठिकाने पे हो, एंड इज नॉट डिसक्वालीफाइड,
मतलब वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए उस लॉ में, उस कंट्री के लॉ में कुछ कंडीशंस होंगी कि उस कंडीशंस में कोई भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, और ये कंडीशंस हर कंट्री की अलग होती है। तो देखो, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। यहाँ थर्ड पॉइंट देखो, पर्सन डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए टू विच दे आर सब्जेक्ट टू। तो वो कहाँ के सब्जेक्ट हैं? इंडियन गवर्नमेंट के। तो इंडियन गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें एक पर्सन को या एक सिटीजन को डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है, तो हमको उसमें डिस्क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखा है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। आया समझ में? यस मैम। तो मैं जब भी पूछूं कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको ये तीन लिखना है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्या लिखा है? मेजॉरिटी। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में कितने साल? 18 साल। और गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के अकॉर्डिंग कितने साल है? 21 साल। ये डिस्कस किया ना मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप में भी, कि अगर हमारा कोई गार्डियन है तब हमारी एज कितनी हो जाती है? 21 ईयर्स। नेक्स्ट देखो, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, तो जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनसाउंड। दिख रहा है अनसाउंड? तो कौन कौन है अनसाउंड में? इडियोसिटी, इंसैनिटी, ड्रंकननेस, मेंटल डिके और हिप्नोटिज्म। तो ये क्वालिटीज हैं उसमें, तो वो साउंड माइंड का नहीं है। समझ में आ रहा है? इडियोसिटी, इंसैनिटी, ड्रंकननेस, मेंटल डिके, हिप्नोटिज्म। अब देखो, ये जो कंडीशन है ड्रंकननेस यानी पिया हुआ, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला अगर ड्रिंक करता है तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। अब तो आए दिन हर कोई ड्रिंक करता है कि नहीं करता है। तो ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी? उसका कंडीशन उस समय, अगर वो पर्सन ड्रंकननेस की कंडीशन में है, मतलब वो अल्कोहल के इफेक्ट में है, और आप उस समय उससे पेपर वो साइन करवा रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा। समझ में आया? तो इट मींस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो ड्रंकननेस नहीं होना चाहिए, उसके बाद अगर वो पी रहा है तो वो उसका इशू है। आया समझ में? यस मैम। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। एलियन एनिमीज मतलब वो कंट्री जिसके साथ इंडिया का वॉर है, फॉरेन सोवरेंस एंड एम्बेसडर्स, दूसरी कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स होते हैं, वो उस पर रहते हैं ना टूर पे, फॉरेन टूर्स पे रहते हैं ना, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर हैं जो फॉरेन टूर पे जाते हैं और ट्रीटी वगैरह साइन करते हैं, ताकि हम उस कंट्री के साथ, अगर हम उस कंट्री में जाएँ तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। प्लस और क्या होता है, उनके साथ कोई ट्रीटी साइन करते हैं, कोई बिजनेस डील करते हैं, तो उनके साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करेगी। तो अगर हम ऐसे सोवरेंस और एम्बेसडर्स के साथ करेंगे तो वो डिस्क्वालिफाइड है। इंसॉल्वेंट मींस जिसका दिवालिया निकला हुआ है। कन्विक्ट मतलब जिसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। तो इसमें चार पॉइंट ये दिए हुए हैं, बाकी के हम तीन पॉइंट इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं बताओ? इसमें हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया एंड देयर एजेंट्स। क्या हम अपने प्रेसिडेंट के साथ डील कर सकते हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं? नहीं। तो फिफ्थ पॉइंट है अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। फिर गवर्नर के साथ, प्रेसिडेंट, गवर्नर या उनके एजेंट्स। नेक्स्ट देखो सिक्स पॉइंट, पब्लिक अथॉरिटीज मतलब म्यूनिसिपल वालों के साथ, पुलिस वालों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं क्या? कलेक्टर वगैरह के साथ? आया समझ में? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो ये है उस तीन के, ये तीन पॉइंट्स के अंदर के और कंडीशंस है ना। क्या क्या देखा हमने?
मेजोरिटी मीन्स वॉट? इंडियन मेजोरिटी एक्ट में 18 ईयर्स का होना चाहिए, 21 ईयर्स का, प्लस पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो ये सारी कंडीशंस उसको बनाएंगी अनसाउंड, ठीक। और डिस्क्वालिफाइड में ये कंडीशंस 6, ठीक। आ रहा है समझ में?